पंचायत विविधताओं से भरे जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश में विभिन्न सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर अमल में लाना आसान नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि बहुत मजबूती के साथ पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं से लोगों को जोड़ा जाए। हालांकि नदियों, पहाड़ियों, दुर्गम रास्तों और बड़े पैमाने पर बर्फीली चट्टानों के कारण जम्मू कश्मीर में ग्राम स्तर पर संचार करना या वहां सेवाएं प्रदान करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इन सभी भौगोलिक चुनौतियों से निपटने में इंटरनेट कारगर है। आज डिजिटल इंडिया की सहायता से भारत के अन्य प्रदेशों की तरह जम्मू कश्मीर में भी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने का काम किया जा रहा है। ई पंचायत व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सभी पंचायत प्रतिनिधियों, कर्मचारियों एवं लोगों को जरूरत के मुताबिक कंप्यूटर सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है, जैसे कंप्यूटर में MS Windows 7 की सुविधा, होम बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, MS Office, इंडिक प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, स्कैनर, लेजर प्रिंटर, UPS, LED, पोर्ट लेन स्विच, पेज कार्ड्स, पेन ड्राइव आदि। पंचायतों के डिजिटलीकरण से आज योजना, निगरानी, बजट, लेखा, प्रमाण पत्र, लाइसेंस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आदि में आसानी हो रही है। चलिए आपको ई पंचायत के उद्देश्यों के बारे में बताते हैं। ई पंचायत मिशन मोड परियोजना के उद्देश्य ग्रामीण भारत को ऑनलाइन सेवाओं से जोड़ना, ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण, शासन और प्रशासन के प्रति लोगों को जागरूक करना, स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास कार्यों की सूचना जन जन तक पहुंचाना, योजनाओं को प्रभावी बनाना, भ्रष्टाचार को कम करना, आम जनता तक तेज और सरल सेवाएं प्रदान करना, इंटरनेट के सहयोग से पारदर्शिता लाना, ई पंचायत मिशन के लाभ। जैसे जैसे हमारी पंचायत ई पंचायत बन रही है, वैसे वैसे डेटा और जानकारी को इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करने में आसानी हो रही है। जम्मू कश्मीर में भी सभी ग्रामीणों को ऑनलाइन सुविधाओं से जोड़ने के लिए ई पंचायत के कॉन्सेप्ट को पूर्ण रूप से अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज प्रदेश में भी लोग जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, संपत्ति कर, पेंशन लाभ, सब्सिडी लाभ, ई स्वास्थ्य देखभाल, ई लर्निंग और ई कृषि विस्तार, ई रोजगार आदि सेवाओं का लाभ घर बैठे उठा पा रहे हैं। ये कुछ नहीं बल्कि ई पंचायत का कमाल है। ई पंचायत से स्थानीय शासन के आए अच्छे दिन। ई पंचायत की मदद से आज गांव के विकास कार्य पूरी तरह पारदर्शी हो गए हैं। पंचायत में किस योजना से
कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, इन सभी का हिसाब भी रखा जा रहा है। मनरेगा जैसी योजनाओं का सोशल ऑडिट भी आराम से किया जा रहा है। एक समय था जब गांव के मुद्दे सत्ता से बाहर होते थे, लेकिन आज ई पंचायत और ई गवर्नेंस की सहायता से स्वयं भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचायत प्रतिनिधियों से बात कर स्थानीय स्थितियों का जायजा लेते हैं। आइए हम चर्चा का सिलसिला शुरू करते हैं। मुझे बताया गया है कि हमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर चलना है। भाई मोहम्मद इकबाल जम्मू कश्मीर के बारामूला से जुड़े रहे हैं। ये ब्लॉक पंचायत नारवाओं के चेयरमैन हैं। ई पंचायत के तहत स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए कई तरह के एप्स और पोर्टल्स लॉन्च किए जा रहे हैं। अब ई ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप का ही उदाहरण ले लीजिए। ई पंचायत के महत्व को समझते हुए पंचायती राज दिवस के मौके पर माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं ई ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप की शुरुआत की। आज इस पोर्टल और ऐप के माध्यम से ग्राम पंचायतों से जुड़ी जानकारियां, सहायता एवं सेवा प्राप्त की जा सकती है। ई पंचायत की सहायता से जनता से जुड़ी सारी जानकारियां जनता तक ऑनलाइन माध्यम से ही पहुंच रही हैं। पंचायतें भी आज स्मार्ट सिस्टम के द्वारा अपनी योजनाओं को पोर्टल पर डाल रही हैं। पंचायतें अपने क्षेत्र की योजनाओं के बारे में जानकारी को पोर्टल पर डाल सकते हैं, ताकि लोगों को उसके बारे में पता चल सके। इसके साथ ही योजना के लाभ लेने की प्रक्रिया को भी पोर्टल पर डाला जा सकता है। ई पंचायत का हो रहा है विस्तार, विकास के अवसर मिल रहे हैं अपार।